महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से एक ही साल में 77,000 बच्चे कुपोषण मुक्त और 98,000 से अधिक महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में कुपोषण मुक्ति अभियान द्वारा बहुत ही कम समय में प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने के अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुपोषण दूर करने के दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से कुपोषण मुक्ति के अभियान में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। योजना के शुरू होने के समय प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। इसमें से 77,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 15.64% की कमी आई है और 98,000 से अधिक महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिली। कांग्रेस सरकार पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर प्रयास कर रही है। लॉकडाउन में महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को बनाए रखना एक चुनौती थी। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी समूह ने इसमें बढ़कर हिस्सा लिया और घर घर जाकर रेडी टू ईट और सूखा राशन वितरण किया। अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जन समुदाय का भी सहयोग लिया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पोषण आहार में हितग्राहियों को गर्म भोजन के साथ साथ पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार भी दिए जा रहे हैं। कुपोषण दूर करने के दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से सफलता मिल रही है।